नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, कुवैत का भी एक अच्छा ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा ऑफर लेटर मेरे पास कुवैत के वीज़ा सबसे ज़्यादा और कनाडा के ऑफर लेटर सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। आप लोग भी अगर कुवैत जा रहे हैं या कुवैत से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं तो लगा रखे होंगे, और ऑफर लेटर भी आ रहे हैं, वीज़ा भी आ रहा है, एजेंटों के साथ आपकी डील भी हो रही है, तो कुछ चीज़ों का भाई ध्यान रखेंगे, वरना तो जो पैसे एक बार दिए तो वो वापस नहीं आएंगे, ये मेरे से आप लिखवा सकते हैं जी। क्योंकि जितने भी लोगों ने आज तक पैसे दिए वापस नहीं आए, तो भाई आपके भी नहीं आएंगे, सीधी सीधी बात है। तो कुवैत से रिलेटेड एक बंदे का ऑफर लेटर आया, वीज़ा से रिलेटेड हम बात करेंगे। उन बातों में से आपको भी कुछ बातें सीखने को मिलेगी कि किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते। एक बंदे ने मुझे ऑफर लेटर भेजा, बोला सर ये ऑफर लेटर चेक करके बताना, एजेंट पैसे मांग रहा है, दे दूँ क्या? अब दे दूं क्या का मतलब जरूरी है ना समझना कि भाई ऑफर लेटर में देखिए वॉल पेंटर की उसकी कैटेगरी बताई गई, तनख्वाह की बात करें तो 180 के डी यानी 4544 रुपए बन जाते हैं, आप सबको पता ही होगा जी। और वीज़ा है शटडाउन। अब शटडाउन वीज़ा में मेडिकल की तो ज़रूरत नहीं होती, हालांकि लोग शटडाउन के नाम से भी मेडिकल करवाते हैं, नो डाउट आप सबको पता होगा और करवाए भी होंगे आपने जी। एडवांस के तौर पे मात्र 5000 ऑफर लेटर आ गया जी, आप 5000 रुपये दे दो, फिर आपको वीज़ा और टिकट हम दे देते हैं, बाकी पैसा बाद में दे दीजिए। ये हो गई उनके साथ में डील। अब आपको मैं ऑफर लेटर दिखा देता हूँ, फिर आगे हम और बात करते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, ये ऑफर लेटर है भाई। अब इस ऑफर लेटर में आपको क्या लग रहा है, जॉब अपॉइंटमेंट है, कंपनी का नाम भी इसमें दे रखा है भाई, पूरा सिस्टम दे रखा है, आपसे समझ सकते हैं बंदे का नाम, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है इसमें, फोटो। जी हाँ, आज तक के इतिहास में मैंने भाई किसी भी ऑफर लेटर में फोटो नहीं देखी है, लेकिन इसके कुवैत के वीजा में फोटो आ रखी है। तो आप समझ सकते हैं भाई फोटो कैसे आ सकती है यार वीजा के अंदर, आप सोचिए। दूसरी बात, ठीक है ऑफर लेटर तो आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी का इसका कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी देखो भाई, ईमेल आईडी भी इसमें गलत है, एक ईमेल आईडी अलग है ऑफिशियल, एक ईमेल आईडी अनऑफिशियल दे रखी है। तो कुल मिला के ऑफर लेटर हो गया फेक। जी हाँ, बिल्कुल फेक हो गया पूरा ऑफर लेटर। ऐसे ऑफर लेटर अगर आपके पास भी आ जाते हैं तो भाई सावधानी रखने की ज़रूरत है, वरना जो पैसे दे दिए ना वो वापस नहीं आएंगे। क्योंकि बंदा बिहार का संपर्क बॉम्बे हो रहा है, 5000 रुपये आप दे दोगे और वो नहीं भी कुछ करेगा, नहीं देगा, तो 5000 के लिए आप बिहार से बॉम्बे जाने में लग जाएंगे आपके पास, तो समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों से ज़रूरत ही नहीं यार, बिहार में भी भाई मैन पावर ऑफिस हैं। ये बुक मैंने आप ही लोगों के लिए लिखी है, लेकिन आप खरीदते नहीं है, वो एक अलग बात है। अब 5000 देने से तो बढ़िया 1000 रुपये दे के यार आप अपने इंडिया में यहीं आप लोकल काम कराओ ना, अपने अपने स्टेटों में 1600 मैन पावर ऑफिस हैं पूरी इंडिया में, आपके 100-150 किलोमीटर के एरिया में ऑफिस मिल जाएंगी। और आप ये बुक खरीद लोगे ना तो आपका ऑफर लेटर, आपका वीज़ा, आपकी कंपनी, आप एजेंट सब कुछ खुद चेक कर लोगे घर बैठे, सब कुछ इसमें बताया गया है। बाकी आप सोच पे डिपेंड करता है भैया, बाकी सावधान रहने की ज़रूरत है। मैन पावर ऑफिस नज़दीक में देखिए, विदेश में अप्लाई करें तो सिर्फ मैन पावर ऑफिस से, अगर नहीं मिले तो भाई छोड़ दो, मत जाना, वरना ये चेपेंगे आपको, सोच लेना। बस ये अपडेट देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।